जमाना हाकिम नहीं बदल जाए वो अशरफ अली खान को नहीं बदल सकता। यही कुछ मैं तुझसे चाहता हूँ शहजादे, यही कुछ। अशरफ अली खान की सारी कमीनगियों के जवाब में सिर्फ खामोशी और शराफत। आ जाओ। से बहुत जरूरी बात करनी है। आओ बैठो। खैरियत? खैर, ये तो बड़ा रस्मी जुमला है। खैरियत कहाँ है मेहर? तुमने मुझसे कोई बात करनी थी? फैसला नहीं बदलोगी? कौन सा फैसला? बाहर जाने का। ये मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट है आरिफ। और तुम क्या समझते हो, अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी ना मिलती तो मैं इसी तरह तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारती? नहीं, मेरा मतलब यह है कि हम दोनों कोशिश तो कर सकते हैं ना जिंदगी खुशगवार बनाने के लिए। मेरे ख्याल में जिंदगी अचानक ना खुशगवार तो हो सकती है, खुशगवार नहीं। मैं बहुत चाहता हूं, मैं बहुत चाहने लगा हूं। आपके जाने का बहुत बहुत शुक्रिया। पापा को बहुत शौक मिलेगा। तो ये कहो ना, पापा से डरते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अगर चली गई ना तो मेरी पूरी जिंदगी। और सरीन के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे भी मैं खुश नहीं रख सका। उसे छुपकर शादी करना मेरा बहुत ही गलत और जज्बाती फैसला था। आरिफ साहब, आपका मसला ये है कि आप एक ही वक्त में दो कश्तियों पर सवार होना चाहते हैं। हाँ, कहने की हद तक तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर जरीन बहुत बदल गई है। वो बहुत मसरूफ हो गई है काम में, यहां तक कि जब मैं उसे मिलने भी जाता हूं तो सर पे काम सवार रहता है। अब तो मुझे उसकी तरफ से भी वो चाहत नहीं मिलती जो मेरा हक है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हक तो उसका भी था कि वो आपकी बीवी कहलाई जाती, इसी घर में रहती, आपके खानदान वाले उसकी इज्जत करते। आपने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। मैं कैसे कहूं कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। पहले जैसी लड़कियों के तो लड़के ख्वाब देखते हैं। हाँ, लेकिन ख्वाब से तो आंख खुल जाती है। तो तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी? नहीं आरिफ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और आज के बाद तुम मुझसे इस सिलसिले में बात भी ना करना।
इस खबर से तो हमारा पूरा घर हिल जाएगा। अभी तो एक एक और खबर भी नहीं है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। एक दो दिन तक पता लग जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम किसी गैर खानदान के लड़के की तरफ नजर उठाकर भी देखो? अगर आप यही सब चाहते थे तो आपने मुझे इंग्लिश स्कूल में क्यों पढ़ाया? क्यों मुझे घूमने फिरने की, लड़कों के साथ मिलने जुलने की आजादी दी? क्यों मुझे आजाद माहौल दिया? अब आप क्या चाहते हैं मुझसे? तुम सब अंदराज की हो गई हो। मैं तो सिर्फ पापा आपको यह समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ तो इसमें गलती क्या है? आई थिंक इस बात की इजाजत तो दुनिया का हर मजहब देता है कि आप अपनी पसंद से शादी करो। हाँ, लेकिन कुछ खानदानी रिवायात भी होती है, हमें उनका ख्याल रखना होता है। कान खोल कर सुन लो, ये शादी नहीं हो सकती। 100 साल पहले आपका खानदान प्लेन में सफर नहीं करता था, गाड़ियों में नहीं घूमता था, एयर कंडीशन इस्तेमाल नहीं करता था, तो आज आप ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते? मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ क्यों नहीं देते? गाड़ियों में घूमना छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शर्म नहीं आती कि तुम इस तरह अपने बाप से बात कर रही हो? पापा, आप मुझे लॉजिकली ये बात समझाएंगे तो मैं आपकी बात मान जाऊंगी। और ये जो आप लोग हर वक्त खानदान में शादियों की बात करते हैं, आपको पता है इससे क्या होता है? बेनी तो अब मफलूज बच्चे पैदा होते हैं। पता नहीं आप कौन से जमाने में रहते हैं। क्या अंदाज है गुफ्तगू का? मामा, पापा ने जो फरांटी के साथ किया वो मेरे साथ नहीं कर सकते। शट अप। फरा का जिक्र कहां से आ गया? पापा, आपने जितना फरा आंटी की जिंदगी बर्बाद की, आप मेरे साथ वो सब कुछ नहीं कर सकते। मुझे खुशी हुई है देख के वेस्ट की तरह यहाँ पर भी कोई खातून फूलों की देखभाल कर रही है। वैसे फ्लावर शॉप को तो खवातीन को ही संभालना चाहिए। आपकी बात सुनकर मुझे खुशी हुई है। जब मैंने शॉप खोलने का फैसला किया था तो एक दो लोगों के सिवा सबने मेरी बहुत मुखालफत की थी। वैसे मैं तरक्की वही करते हैं जो दूसरों की मुखालफत की परवाह नहीं करते। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कौन से फूल पसंद करेंगे? मैं असल में एक ऐसा गुलदस्ता बनवाना चाहता हूँ जिसमें बहुत से रंगीन खुशबूदार फूल हों, अनगिनत फूल, और उन रंगीन फूलों के इर्द गिर्द सफेद फूल। बहुत खूब। क्या इसलिए कि सफेद फूलों के आगे सुर्ख, गुलाबी और जर्द फूलों के रंग और ज्यादा नुमाया हो जाएंगे? जी जी हाँ। आप जैसे गुलदस्ते की फरमाइश कर रहे हैं, मैं वो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आपको थोड़ी देर इंतजार करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। इंतजार करने में मुझे लुत्फ आता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिसे गुलदस्ता दिया जाए उसे यकीन आ जाए कि उसका बेताबी से इंतजार किया जा रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मायूसी ना हो। चलो हटो अब, बार बार ये बात कह के तुम मुझे शर्मिंदा मत किया करो। अच्छा ये बताओ कि वो तुम्हारे टीवी प्रोग्राम का क्या हुआ? 4 प्रोग्राम्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। अच्छा साहब कह रहे थे कि 3 प्रोग्राम्स और रिकॉर्ड हो जाएं,
तो पब्लिसिटी शुरू कर देंगे। भाई मुझे जरूर बताना, ये ना हो कि पूरा जमाना देख ले और मैं ही रह जाऊं। नहीं आपा, ये भला कैसे हो सकता है। अच्छा वो जरी, तुमने आरिफ से इजाजत ले ली या नहीं? इजाजत? किस बात की इजाजत? समझी नहीं। अरे भैया, टीवी प्रोग्राम की और किस बात की? आपा आरिफ की बात कर रही हैं। उसने दूसरी शादी की तो क्या मुझसे पूछ के की? वो हनीमून पे गया तो क्या उसने मुझे बताया? मेरा भी बाप या भाई होता तो मैं उससे पूछती कि उसने दूसरी शादी कैसे की। ये तो ऐसे हो गया कि ना वो मुझसे कुछ पूछे ना मुझे कुछ बताए और मैं उसे अपने सांस लेने की भी खबर दूं। कमाल, मुझे खुशी है कि आपको पसंद आई। वैसे तो ऐसी हसीन चीजों की कीमत अदा नहीं की जा सकती। आप जैसे लोग बहुत कम आते हैं, आप फिर तशरीफ लाइए, हिसाब फिर कर लेंगे। जी नहीं, ये वो हिसाब किताब नहीं जिसका उधार रखा जाए। ये लिफाफा तो आपको रखना ही पड़ेगा। वैसे बाय द वे, आप दुकान किस वक्त बंद करती हैं? जी मैं 8 बजे दुकान बंद कर देती हूँ। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। जी जरूर। थैंक यू। थैंक यू। नादरा, तुमने उस दिन अपने पापा का गुस्सा देखा था ना? मैं उस वक्त उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है कि वो किसी की बात ही नहीं समझते। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने दो, हो सकता है कि कुछ बात बन जाए। मामा आप भी कैसी बातें करती हैं। बेटा अकबर लड़का है, कोई लड़की तो है नहीं कि उसकी शादी का वक्त गुजरा जा रहा है। तो क्या लड़कों का ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है? उसके माँ बाप ने कल को उसकी कहीं शादी कर दी तो? तुम दोनों ने तो मुझे एक अजाब में मुब्तला करके रखा हुआ है। तुम्हारे पापा किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और तुम हो कि अपनी जिद पे अड़ी हुई हो। पापा तो ना शादी को एक ऐसा सौदा समझते हैं जो कि सिर्फ खानदान की दुकान पर मिलता है। अच्छा बस, फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मामा, आप पापा को कह दीजिएगा मैंने और अकबर ने जो फैसला किया है, कल को अगर हम उस पर खुश नहीं भी रहे ना तो भी हम ये रिस्क लेने को तैयार हैं। नादरा कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी रिश्ता आया नहीं है और तुमने ऐसी फजूल बातें करनी शुरू कर दी। कुछ तो सोच समझ के बोला करो बेटा। मामा तो आप ही ना पापा के जैसे ही बातें करती हैं। मैं भाई नहीं हूँ जो पापा की धमकी से डर के शादी कर लूंगी। मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी, लात मार दूंगी आपकी हर चीज को। अगर आप कमरे के बजाय बाहर जाकर खुली फजा में टहलें तो ज्यादा बेहतर है। कमरे में टहलने की दुख समझ में नहीं आती। नहीं, मेरी कोई परेशानी आपकी समझ में नहीं आती, इसीलिए आपको मेरा कोई काम ठीक लगता ही नहीं है। आप तो हर वक्त किसी ना किसी वजह से परेशान रहते। कमाल करती हैं शमीम आप भी। आप मुझे, अच्छा आप मुझे खुद सोचकर बताइए कि खाने की मेज पर ये महर ने जो बाहर जाने की बात की है, ये परेशानी की बात नहीं? आप मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में ये परेशानी की क्या बात है? अरे भाई वो बाहर जाएगी तो एक दो हफ्ते में आरिफ भी बाहर चला जाएगा, मेरा कारोबार कौन संभालेगा? आपका ख्याल है कि महर वहां जाकर आरिफ को बुला लेगी? तो क्यों नहीं बुलाएगी? दोनों शादीशुदा हैं, नई नई शादी हुई है दोनों की। मेहर का उसको बाहर बुलाना और आरिफ का बाहर जाना एक नॉर्मल सी बात है। आप तो दूसरों की जिंदगियों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने में इस कदर मगन रहते हैं कि आपको अपने नाक के नीचे की चीज नजर नहीं आती। शमीम बेगम, मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे नजर नहीं आती आपको नजर आती है। आपको यह नजर नहीं आता कि मंसूर भाई के इंतकाल के बाद से मेहर और आरिफ एक कमरे में सो नहीं रहे? आपको यह नजर नहीं आता कि मेहर और आरिफ के दरमियान लातालों की इंतहा को पहुंच चुकी है? और आपको यह भी नजर नहीं आता कि मेहर इस घर में एक पेइंग गेस्ट की तरह से रहती है? कुछ नजर नहीं आता। सो जाया, कुछ नहीं होगा आपके कारोबार, वो नहीं बुलाएगी उसे वहां, आपका कारोबार ठीक ठाक चलता रहेगा।
मेरी तो समझ में कोई बात नहीं आती है, पता ही नहीं चलता। फिर देखने में तो अच्छी खासी खुश है, वो मुस्कुराती रहती है हर वक्त, खाने की मेज पर बैठती है तो बड़ी दिलचस्प बातें करती है। माशाल्लाह, इंसानों को, इंसानों के रिश्तों को किस कदर समझते हैं आप। देखिए, अगर आपने अब भी सूझबूझ से काम नहीं लिया तो नादरा का मसला परेशान कौन हो जाएगा। बेगम, मेरी ये समझ में नहीं आता है कि ये मेहर और आरिफ के मामले में ये नादरा का मामला कहां से बीच में आ गया इसमें। उसको मैंने कह दिया कि शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, बस दैट्स ऑल। देखिए, आरिफ आपसे कहता रहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन आपने एक ना सुना। लेकिन नादरा से बहुत मुश्किल, वो आपकी हर बात सर झुकाकर नहीं मानेगी। अरे बस रहने दीजिए, एक धमकी में तो आरिफ मियां का दिमाग ठीक हो गया था, नादरा की क्या मजा लेके वो आगे से मना करे। आप अपनी औलाद को किस कदर समझते हैं, मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं समझते। और फिर आप ठहरे बहुत दावेदार बेटे, आपके प्यारे से पापा ने बुलाया और प्यारे से बेटे फौरन चले गए। तमीज से बात करो, पापा के लिए इस कदर तंजिया अंदाज मत अख्तियार करो। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम मुझे सरप्राइज देना चाहती थी कि नहीं। तुमने मेरी बगैर इजाजत के प्रोग्राम क्यों रिकॉर्ड करवाया, बताओ। माशाल्लाह आरिफ साहब, क्या दीदा दलेरी है, मुझसे जवाब तलब किया जा रहा है। मैंने टीवी का प्रोग्राम किया तो मुझे इजाजत लेनी चाहिए थी, और आपने, आपने दूसरी शादी की तो क्या मुझसे पूछा। आप ठहरे अपने पापा के दावेदार बेटे, आपको भी मुझसे शादी करने से पहले अपने पापा से इजाजत लेनी चाहिए थी। इसे कहते हैं जूतों समेत आंखों में घुसना। क्या समझिए, दो चार पैसे आ गए बहुत इतराने लगी। इस ख्याल में मत रहना कि तुम अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गई हो तो मैं तुमसे दबने लगूंगा। नहीं, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि तुम एक मासूम सीधी सादी और घरेलू लड़की, तुम्हारे पास निकल आए। आरिफ साहब, आपने मुझसे शादी की नहीं थी, शादी का ड्रामा रचाया था। मासूम सी सीधी सादी घरेलू औरत जिसके पास आप जब चाहें आ जाएं, वो आपके नखरे भी उठाए, पैर दबाए, जूते उतारे, आपको निवाले बना बना के खिलाए, और बदले में आप उसे चंद हजार रुपए दे दें। इतने सारे काम और दूसरे कई काम अगर किए जा सकते हैं इन चंद हजार रुपयों में, तो ये सौदा बुरा नहीं है। बकवास बंद करो, बंद करो ये बकवास, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा ये बातें। नहीं कर सकते तो ना करो, जाओ अपने पापा के पास, रहो अपनी मेहर के पास। मेहर का नाम मत लो तुम, समझ आई तुम्हें। शराब स्लिपिंग पिल्स तो नहीं खा ली। वैसे मुझे सुसाइड का कोई शौक नहीं है, 8-10 को लेकर ही मरूंगी मामा। देखो नादरा बेटा, अरे पापा पहले ही बहुत परेशान है, उन्हें और कोई टेंशन ना देना जी। आप तो पापा की बात को रहने ही दीजिए मामा, फिर आपको टेंशन मत कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला है ना। देखो बेटा, तुम अकबर को समझाने की कोशिश करना कि तुम्हारे पापा को राजी करने में अभी वक्त लगेगा। मामा यही बात तो वो करता है, एक तो मेरा पता क्या दिल जाता है, अपने पापा को और उसके पापा को एक कमरे में बंद कर दूं,
और जब तक दोनों की आपस में कुछ सॉर्ट आउट नहीं ना हो, उनको वहीं बंद रहने दिया जाए। आप लोग बैठे हैं, मैं बुलाता हूं। किसने कहा था कि नींद मराने दो? अच्छा साहब, इस गरीब को क्या पता कि रजा के साथ आपका क्या रिश्ता है? क्या बकवास है ये? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये चीज लेकर मेरे घर में आने की? आज तो बोलिए अच्छा साहब, आज तो बोलिए। इसलिए कि आप लड़की वाले हैं और लड़की वालों को इज्जत ज्यादा प्यारी होती है। आप प्लीज बेगम साहिबा को बुलाइए, आखिर वो फरा बीबी की बड़ी भावज है, वही उनको इस घर से रुख्सत करेगी। खबरदार, अगर तुम्हारी जबान पर अफरा का नाम आया तो जबान कुत्ती से खींच लूंगा, समझे तुम? मैं पुलिस को फोन करता हूं। आप पुलिस को फोन कीजिए, हम यहां बैठकर पुलिस का इंतजार करेंगे। ये सब क्या बकवास है, क्या ड्रामा है? ये मेरा घर है। अच्छा साहब, यकीनन ये आपका घर है, हमारा इस पे कोई दावा नहीं, लेकिन ड्रामा तो आपने बरसों पहले किया था। हम तो उस ड्रामे का आखिरी सीन दिखाने आए हैं आपको। तुम चाहते क्या आखिर? तो हमारे खानदान का पीछा क्यों नहीं छोड़ती? रिश्तेदारियां यूं तो खत्म नहीं होती हैं सर। झूठ बोलता है ये, हमारी इसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। ये झूठ नहीं बोलता सर। आप प्लीज सुकून से बैठ जाइए, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, सब कुछ आपकी समझ में आ जाए। आइए बैठिए। आपसे किसने कहा था कि इस वक्त यहां चली आए आप? आदाब। आदाब, तुम रजा हो ना? मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे पहचान लिया। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठे ना। क्या क्या क्या, बैठ जाए ना भाई, क्या हो गया? घर आए हुए मेहमानों से ऐसे सुलूक थोड़ी करते हैं। बेगम साहिबा, लड़की वालों के यहाँ खाली हाथ कौन आता है जो हम आते हैं? मैं आपका मतलब नहीं समझी। मुझे उसी वक्त गोली मार देनी चाहिए। खुदा के लिए आप खामोश हो जाए। रजा, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी वो ना होने देती। आप अब भी बहुत कुछ कर सकती हैं बेगम साहिबा। मैं समझी नहीं। मैं समझा देता हूँ। नहीं रजा, ये बातें तुम्हारे करने की हैं। मैं फरा की रुखसती की तारीख तय करने आया हूं। वही बात, जब मैंने एक दफा कह दिया कि ये शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। ये शादी कल भी नहीं हो सकती थी, आज भी नहीं हो सकती। मेरा कहा पत्थर की लकीर होता है। अशोक साहब, पत्थर पे खींची हुई लकीर मिट तो नहीं सकती, लेकिन वो पत्थर टूट सकता है जिसपे लकीर खींची गई। बेगम साहिबा, आपके शौहर ने किसी गैर को नहीं, अपने बहनोई को झूठे मुकदमे में भेज दिया। झूठ बोलते हो तुम, ये मेरा बहनोई का हो गया। रजा की गिरफ्तारी से पहले फरा और रजा का निकाह हो चुका था। निकाह? लेकिन फरा ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। फरा का ख्याल था कि मैंने उसे धोखा दिया है, कहीं चला गया हूं, इसीलिए उसने आपको कुछ नहीं बताया। ये सब बकवास है, झूठ है। मैं भी बुलाता हूं फरा। खुदा के लिए मुझे समझने दीजिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं। रजा, तुम्हारे और फरा के साथ बड़ा जुल्म हुआ। बहरहाल अब मुझसे जो कुछ हो सकता है वो मैं करूंगी। थैंक यू। मामला तो ऐसा है कि मुझे यकीन ही नहीं आता। कुछ दिन पहले जब रजा ने मुझे ये सारी बातें बताई तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि भैया किस हद तक जा सकते हैं। कल रात को उन लोगों के सामने मेरी नजर नहीं उठ रही थी, मेरा सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। क्या सोचते हैं वो लोग हमारे बारे में? भैया ने अपनी सारी जिंदगी इसी तरह बेचैनी में गुजारी है, खुद कभी चैन नहीं लिया उन्होंने और ना ही किसी और को खुश होने दिया है। अच्छा फराह, तुम पुरानी बातों को भूल जाओ, बिल्कुल भुला दो। बस तुम ये सोचो कि
जो नई जिंदगी तुम शुरू कर रही हो वही हकीकत है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अब तक कि रजा वापस आ गए हैं। मेरे अंदर से तो इंतजार की रमक भी खत्म हो गई थी। मैंने ये समझ लिया था कि शायद रजा ने बेवफाई कर ली है। और फरा, मैं सोचती थी कि तुम शादी क्यों नहीं करती। किस तरह कर सकती थी, मेरा निकाह हो चुका था, मैं एक शख्स की बीवी थी, मैं दूसरे से कैसे शादी कर सकती थी। फरा, तुमने बड़े अजाब झेले, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। कैसी बातें कर रही हैं भाभी, आप क्यों शर्मिंदा होंगी? आपने ही तो मेरे लिए इतना कुछ किया है। कल रात आप थी जो आपने सारा कुछ संभाला था, वरना भैया ना जाने क्या कुछ कर लेते। पता है, रजा को देख के मैं हैरान रह गई थी। फिर अगर साहब ने जब बात शुरू की तो मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब बात समझ में आई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे बहुत खुशी है पर कि तुम्हारा इंतजार रहेगा नहीं गया। लेकिन भाभी, अभी भैया कहीं कोई और गड़बड़ ना कर ले। नहीं नहीं, वो कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, मैं उन्हें गड़बड़ करने ही नहीं दूंगी। और फिर मेहर, आरिफ और नादरा भी तो तुम्हारे साथ हैं, वो कैसे गड़बड़ कर सकते हैं, है ना? थैंक यू भाभी। क्या बात है नाजरा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। भाभी, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बस भाभी, मैंने पैकिंग कर ली है, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ये तुम किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो? क्या हुआ, क्या बात है? देखा ना भाभी, जो कुछ पापा ने फरहान जी के साथ किया वो सब सुन के मैं हैरान रह गई हूँ। नहीं भाभी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। हैरान तो मैं भी रह गई थी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम घर छोड़ के चली जाओ। लेकिन भाभी, इस घर में कोई मेरी बात नहीं समझता है, कोई भी नहीं। पापा ने जो कुछ रजा अंकल के साथ किया उनको जेल भिजवा दिया, वो अकबर का भी मर्डर करवा देंगे भाभी। देखो नाथरा, अशरफ अंकल ने जो कुछ किया इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो तुम्हारे और अकबर के साथ भी वो ही करेंगे। कैसी बातें कर रही हैं भाभी, आपने मेरे और अकबर के बारे में पापा से बात की थी ना, तो क्या रिजल्ट निकला? उन्होंने आपको भी तकाजा जवाब दे दिया के बावजूद आप मुझे ही कह रही हैं। नादरा, मैं तुम्हारी हर बात समझती हूँ, लेकिन मैं, तुम खुद सोचो आजकल घर में कितनी क्राइसिस चल रही है, अशरफ अंकल ये शौक कैसे बर्दाश्त करेंगे? और वैसे भी मैं किसी गलत बात पे तुम्हें कोई मशवरा नहीं दे सकती, सॉरी। लेकिन भाभी, आपने तो मुझे कंफ्यूज ही कर दिया है। अच्छा नादरा, तुमने अकबर से इस मसले पे कोई बात की है? नहीं भाभी, से मैंने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, वो मुझे सेंसिबल लगता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक करेगा, इसलिए अब तुम जाओ और जाके अनपैकिंग करो। ओके, शाबाश, सब ठीक हो जाएगा। फिर नायक, परसों इन्हें कलेजे से लगा के रखा है। जी, किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? आप अगर ना होती तो मैं शायद घुट के मर चुकी होती, क्या शायद खुदकुशी कर लेती। बुरी बात है बेटा, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। अल्लाह तुम्हें तो मेरी उम्र भी लगाए, और जैसे तुम्हारे नसीब बदले ना, अल्लाह सबके नसीब बदले। एक बात याद रखो बेटा,
ये शुक्रिया और एहसान के अल्फाज मेरे सामने मत बोला करो। अरे पगड़ी, तू तो मेरी बेटी की तरह है, औलाद है मेरी, और औलाद के लिए अगर कुछ किया जाए तो एहसान नहीं होता है। दीदी, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है ना, तो शायद सगी माए भी नहीं करती है। मैं किस तरह आपका एहसान ना मान। अच्छा चलो, बस सब छोड़ो और जाके इन कागजात को ना संभाल के अलमारी में रखो। ये आप ठीक कह रही हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारे भैया से कोई बईद नहीं है। जब वो एक बेगुनाह को जेल में बंद करा सकता है ना, तो इन कागजात को गायब कराना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। एक लम्हे को भी यकीन नहीं आता कि ये इस हद तक जा सकते हैं। हाँ बेटा, किसी को पता नहीं होता है कि कौन कैसा है। मैं फरांटी के मसले में बहुत कंफ्यूज हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, क्या होने वाला है। लेकिन आरिफ, ये सारी बातें तो तुम इससे घर पे भी कर सकते थे। यहाँ दफ्तर आने की क्या जरूरत है? घर पे बात हो सकती है क्या? तुमने तो मुझे कमरे से निकाल दिया, ड्राइंग रूम में तो बात होने से रही ना। फरा आंटी का मसला तो चंद दिनों में तय पा जाएगा। अशरफ अंकल ने जिस बुरे तरीके से इसे हैंडल किया था, उसी सलीके से आपकी अम्मी ने संभाल लिया है। इसलिए फरा आंटी के मसले पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि वो मसला क्या है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। दरअसल बात यह है कि हमारा घर इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है। मैं हैरान हूं कि पापा को ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। इस वक्त हमारे घर को और मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। मैं मसलों को आपसे बेहतर समझती हूँ आरिफ, इसलिए आप बेफिक्र हैं। जब तक फरांटी की शादी नहीं होती, मैं यहीं पर रुकूंगी। मैं यही कहना चाह रहा था मेहर, मत जाओ। एक बात कहूँ? मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। मुझे आपकी बात पर एतबार है आरिफ, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि शादी के पहले दिन से आप मेरे मायार पर पूरे नहीं उतरे। इसका मतलब है कि तुम किसी भी तौर पे मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। आप यकीन करें आरिफ, मैं आपके साथ इससे बड़ी भलाई नहीं कर सकती। तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मैं आजादी से सोचती हूँ, आजादी से फैसले करती हूँ। मेहर, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। नहीं आरिफ, मैं अपनी जिंदगी खुद गुजारना चाहती हूँ। दूसरों की जिंदगी का फैसला करने का कोई शौक नहीं है मुझे। अपने फैसले पर नजरसानी नहीं करोगी? नहीं, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। लेकिन मैं तुमसे ये जरूर कहना चाहती हूं कि हिम्मत करो, अपना और जरीन का मसला मेरे होते हुए तय कर लो। इस तरह खौफजदा होकर जिंदगी नहीं गुजारी जाती।